फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर एक अपनी और रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है कॉर्न रोल। और ये स्प्रिंग रोल की तरह बनेंगे लेकिन इसमें ट्विस्ट होगा ईस्ट का और जिंजर गार्लिक पेस्ट का। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो पहले मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया है ईस्ट को, और हॉट वाटर में, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा ही गर्म हो, और उसमें चीनी, एक चम्मच चीनी और एक चम्मच ईस्ट डाल के मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया। और यहाँ पर मैंने लिए 250 ग्राम के करीब मैदा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ईस्ट को डाल देंगे, बाकी जाएंगे इसमें ड्राई। इसमें है तिल और कसूरी मेथी, और ये है साल्ट और जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब इसका एक अच्छा सा हमें डो तैयार करना है। इसका हम डो तैयार करेंगे दूध से, जितना हमें दूध चाहिए इसमें उतना ही हम इसमें दूध ऐड करेंगे, एक चम्मच के करीब घी। अच्छा सा हम डो तैयार करेंगे और लगभग 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं जो मैंने आटा लगाया था ईस्ट वाला स्प्रिंग रोल के लिए, तो ये यहाँ पर सेट हो चुका है। और देखिए फूल का भी तैयार हो चुका है। इसे अभी हम ढक के रख देते हैं इसी तरह से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो मैंने वेजिटेबल्स ली हैं, तो स्प्रिंग रोल में जो मैं वेजिटेबल्स भरूंगी उसकी स्टफिंग फिलिंग करूँगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर प्याज लिया है, कॉर्न लिए हैं और पनीर, क्योंकि मैं कॉर्न स्प्रिंग रोल बना रही हूँ। और ये है मेरी प्रिजर्वेटिव टमाटो सॉस, टमाटो प्यूरी है जिसमें मैंने जिंजर ऐड किया हुआ है, और हल्का सा साल्ट और थोड़ी सी शुगर ऐड करके मैं इस तरह से इसकी प्यूरी बना के घर में रखती हूँ। अब इस टाइम में 200 रुपये किलो टमाटर चल रहे हैं, तो कम बजट में स्नैक्स बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए घर में जब 10 रुपये किलो टमाटर या 5 रुपये किलो टमाटर मिलते हैं उस टाइम में ये आप प्रिजर्वेटिव टमाटो प्यूरी बनाकर घर में रख सकते हैं। तो चलिए अब देर नहीं करूँगी, ये रेसिपी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मुझे जो अपनी प्याज है उनको सॉटे करना है। तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच ऑयल लिया है, ऑयल के हमें ज़्यादा नहीं लेना है इसमें, और इसमें हम डालेंगे हींग और ज़ीरा, इसको सॉटे करेंगे। इसको सॉटे करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे प्याज। तो देखिए ज़ीरा सॉटे हो चुका है, इसमें जाएगी प्याज। इसमें बड़ा मैंने प्याज दिए, उसको एक बड़ा प्याज का बंडल लेके मैंने इसमें बारीक चॉप किया हुआ है। इससे ज़्यादा हमें इसमें बारीक प्याज को चॉप नहीं करना है, इतना ही करनी है। अब बाकी जाएगी इसमें हरी मिर्च, लगभग मैंने 3 ग्रीन चिली ली हुई है, आप इसमें कम या ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं इसकी। और घर में ही मैंने 1 लीटर दूध का मैंने ये पनीर निकाला हुआ है इस तरह से, तो देख सकते हैं यहाँ प्याज सॉटे हो चुकी है। इससे ज़्यादा हमें प्याज को सॉटे नहीं करना होगा, हमें हल्का सा पिंकी इसको प्याज को रहने देना है। अब इसमें जाएंगे मसाले, मसाले में हल्दी, मैं इसे कोई भी टमाटो सॉस या सोया सॉस से नहीं बना रही हूँ, इस तरह से ही बना रही हूँ, बच्चों को बड़ों को काफ़ी पसंद आती है और हेल्दी रेसिपी भी है। घर में अगर नहीं भी कोई सामान होता है, और 1/2 टीस्पून के करीब जाएगी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून जाएगा चाट मसाला। चाट मसाले से इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच लेंगे गरम मसाला। अब इसमें डालेंगे हम टमाटो प्यूरी, लगभग 4 स्पून के करीब हम इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे। और 4 स्पून टमाटो प्यूरी के साथ अगर देखा जाए तो इसमें हमने लगभग 2 टमाटर के करीब मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं। आप सोच रहे होंगे ये तो सब्ज़ी की तरह है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब्ज़ी की तरह नहीं बनी है, इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप इसको मेरी तरह से फॉलो करेंगे तो आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, और आप चाइनीज़ स्प्रिंग रोल भी इसके आगे भूल जाएंगे, कि ये बनने में भी बहुत अमेजिंग बनते हैं, और टेस्ट में तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि जब आप इसको बनाएंगे इस तरह से तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब यहाँ पर लेंगे हम रोस्टेड जीरा पाउडर, जीरा पाउडर हमें बाद में ही डालना है, और इसमें वाइट साल्ट नहीं डालेंगे हम, इसमें थोड़ा सा ब्लैक साल्ट डालेंगे, बल्कि 1/4 चम्मच, क्योंकि थोड़ा टमाटो प्यूरी में भी साल्ट है और जो चाट मसाला है उसमें भी साल्ट था, तो इसलिए हम इसमें साल्ट ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, टेस्ट टू अकॉर्डिंग। अब इसमें जाएगी कॉर्न, ये फ्रोजन कॉर्न है, अभी गर्मियों में काफ़ी अच्छी कॉर्न भी आ रही है,
लेकिन बारिश ज़्यादा होने से कॉर्न के ख़राब होने के भी ज़्यादा चांसेस हो गए हैं इस बार। देखिए कितना अच्छा ये मसाला बनके रेडी हुआ है और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है कि मैं इसमें बता ही नहीं सकती हूँ आपको। अब ये सब करने के बाद मैंने जो पनीर लिया है इसको इसमें फोड़ देंगे। और देख लीजिए हमें ना तो टमाटो सॉस डालने की ज़रूरत पड़ी और ना ही हमें कोई सोया सॉस डाली, बस इसी तरह से इसको बना दिया। बस इसको अच्छे से लगभग 2 मिनट के लिए जो इसमें जितना भी पानी होगा एक्स्ट्रा वो ड्राई सूख जाएगा, यानी कि पानी जो भी होगा सूखने के साथ साथ वेपर भी हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो तब तक हम इस रेसिपी को चला लेते हैं। तो देख सकते हैं कि सब्ज़ी में कितना अच्छा कलर आया हुआ है जो मेरी कॉर्न पनीर है वेजिटेबल, और ये देखिए ड्राई भी होती जा रही है, अब इसमें पानी भी नहीं है। लगभग 1 मिनट और चलाकर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर अब हम रोल बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ देखिए इस तरह से ये आटा है, इसे हम इसमें से निकाल लेंगे और फूल चुका है ये, काफ़ी अच्छा फ्लफी है। अब इसे हम सुमिल लेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से, और इसकी हमें ज़्यादा मोटी लोइयाँ नहीं बनानी है, थोड़ी पतली ही बनानी है, क्योंकि जब ये कढ़ाई में जाएगा तो ये काफ़ी अच्छे फ्लफी बन के तैयार हो जाते हैं, जैसे आप डोनट्स खाते हैं इस तरह से। लेकिन अंदर से कितना अच्छा टेस्ट आता है इसमें, काफ़ी अच्छी इसकी लेयर बनती है। तो लगभग हमें सिर्फ इतना ही इसका लड्डू बना के लेना है, इससे ज़्यादा हमने इसकी लोई मोटी नहीं रखनी है। और इसको आती है बेलने की बारी, तो देख सकते हैं इस तरह से हम इसको बेलेंगे। ज़्यादा हमें इसे मोटा नहीं बनाना है, छोटे छोटे और पतले पतले बनाने हैं। तो देख सकते हैं इतना बड़ा हमें इसको बनाना है। इसी तरह से मैं और भी बना लेती हूँ 3-4। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से मैंने बनाकर रख ली है। और अब हमें क्या करना है, ये मैंने यहाँ पर एक बना के रखा हुआ है इस तरह से और ये चिपका है इस पर। अब हमें 1 स्पून के करीब इसमें इस तरह से फैलाना है, जैसे हम स्प्रिंग रोल बनाते हैं उसी तरह से हमें इसमें शेप देनी है। स्टफिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा आपने इसकी फिलिंग चाहते हो। अब हमें चारों कोने पे यहाँ पे इसमें पानी लगाना है। अगर आप पानी से नहीं समझ पाते हो, मैं तो अक्सर कर पानी से ही चिपकाती हूँ और आसानी से चिपक जाता है, क्योंकि अगर हम क्या होता है ना कि अगर हम इसमें ये ज़्यादा ड्राई नहीं रखेंगे और ज़्यादा अगर हम आटा लगा देते हैं, जैसे मैंने फ्लोर में लिया आटा लिया है, मैदा लिया है, तो अगर हम इसमें ज़्यादा चिप लगा देते हैं तो उसके कारण फिर हमें वो लेई बनानी पड़ती है, वो गम बनाना पड़ता है, उसके लिए हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको चिपका लिया, दोनों साइड से फोल्ड कर लिया और इस तरह से हम इसको रोल करते जाएंगे। रोल देखिए आसानी से ये चिपक भी गया, और हाथ से हम थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे, क्योंकि हलवाई लोग जो भी समोसे बनाते हैं ना वो कभी भी मैदे का गम बनाकर नहीं रखते हैं, वो पानी से ही चिपकाते हैं। तो देखिए इस तरह से ही आपको इसको चिपका कर रख लेना है, बना लेने हैं। और इसी तरह से मैं और भी बनाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर ये 4 बना लिए हैं, अब इनको आती है फ्राई करने की बारी। तो यहाँ देख सकते हैं ये कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है, इससे ज़्यादा हमें इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब हम इसमें एक एक छोड़ते जाएंगे। फ्लेम को स्लो ही रखना है, मीडियम और हाई फ्लेम नहीं करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा कलर आया हुआ है इसमें, इसी तरह से और भी सारे सिक जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरे 2 बनके रेडी हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे ये सिके हुए हैं, और मैं इसको आपको कट करके भी दिखाती हूँ। देखिए क्रंच भी कितना अच्छा आ रहा है इसमें, काफ़ी गर्म है अभी, तो देख सकते हैं अंदर से भी कितनी अच्छी इसकी स्टफिंग है, आप अंदर से देख सकते हैं, और अंदर से भी क्रंच भी है और फ्लफी है। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो, और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स कर दीजिएगा।
और ऐसी ही रेसिपी में मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।